जैसे इस पेपर की बात करता हूँ ना, तो बच्चों की शक्ल जो कि इतनी प्यारी है वो कैसी हो जाती है, वो ऐसी हो जाती है। मतलब ये इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, मुझे लगता है वो टेक्स्ट का पेपर है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि दिल लगा लिया इस पेपर से। जब इनकम अंडर हेड सैलरी पढ़ा तो ऐसा लगा कि बस अब तो हम ही दुनिया के सबसे बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं। जब थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो उसके बाद आसपास के मकान जो है उनकी इनकम निकालनी शुरू कर दी। पीजीबीपी पे आए तो ऐसा लगा कि अंबानी हमारे सामने आके बैठते और हम उसकी इनकम निकालते हैं। तो दिल लग गया इस पेपर के साथ। लेकिन होता क्या है, मैं सच बात बताऊं, आप इन 5 हेड्स को उठा लो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सीजी और अदर सोर्सेस, एग्जाम में उठा के देख लेना इसमें से पेपर कितना आता है, 20 नंबर का। फैक्ट बात है, 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, इससे ऊपर का पेपर नहीं मिलेगा आपको। और आपकी एनर्जी कितनी ले जाता है, कम से कम 60% एनर्जी आपकी चूस लेता है। आप एक चीज समझो, ये दिल लगाने के लिए तो बहुत अच्छे हेड्स हैं, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इससे आप भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। इससे आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो, लेकिन एग्जाम पास जो पहले वो 40-50 नंबर चाहिए होते हैं, वो इनसे नहीं निकलते। वो कहाँ से निकलेंगे सर? वो आपके निकलेंगे जीएसटी से, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जीएसटी एग्जाम में 40 नंबर का आएगा और यही आपको पास कराएगा। ये भी बता दूं, बहुत आसान तरीका है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये आपने कर ली उसके बाद आप फेल हो जाओ तो आपके फेल होने का जिम्मेदार मैं हूंगा। ये मैं आज इस वीडियो पे लोगों को बोल रहा हूँ, ये करना कैसे। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 40 नंबर है, कुछ नहीं, आपने अपने नोट्स कितने अच्छे बनाए, कितने बेकार बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट रिविजन बुक जीएसटी की डेली आपको रीड करनी है। होटलो एकदम जीएसटी, मतलब जैसे हनुमान चालीसा याद है ना आपको, एकदम टिप्स पे होगी काफी बच्चों को याद, किसी बच्चों को कोई मंत्र याद होगा, कोई और 40 याद होगी, वैसे ही आपको जीएसटी एकदम ऐसे हो जाना चाहिए। 40 में से आप यहाँ पर 40 नंबर ला सकते हो अगर प्रोविजंस याद हो जाए। और इसमें क्वेश्चन कभी टेक्निकल नहीं आते, सबसे बड़ी चीज, इनकम टैक्स में आ सकते हैं, जीएसटी में कभी नहीं आते। आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, स्टडी मेट, आरटीपी, पास्ट एग्जाम के। और अगर वो नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, जिसने हमारा कोर्स ले रखा है वो परफेक्ट प्रैक्टिस करे, क्योंकि उससे वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अदरवाइज बाकी बच्चे आईसीए मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करें। इतना कर लिया, 40 में से मरे से मरा, कोई बच्चा कहे मुझे पसंद नहीं आया, तब भी उसके 40 में से 30 नंबर आएंगे। वंस ये आ गए तो क्या आपका इनकम टैक्स इतना हो रहा है कि आप 60 में से 20 ना ला पाओ, वहां पे अपने आप नंबर आ जाएंगे। इनकम टैक्स के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक में से प्रोविजंस लेना है, आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस करें, आप आराम से 50+ ला सकते हैं।